नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बारे में। यह जनता दरबार आज यानी कि सोमवार को दूसरा जनता का दरबार लगा। इसमें सबसे ज्यादा जो फरियाद सामने आया वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को लेकर था, जिसमें एक तो मुख्य सड़क से गाँव के कनेक्टिविटी को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं सामने आई। उसके बाद जो सबसे ज्यादा समस्या जो सामने आया आज वो था नल जल योजना को लेकर। कई ऐसे प्रखंड, कई ऐसे ब्लॉक, कैसे वार्ड सामने आए जिसमें यह कहा गया कि हमारे यहाँ नल जल योजना के तहत नल तो लगा है लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं आया है। कई जगह जो समस्याएं सामने आई उसमें यह कहा गया कि हमारे यहाँ की पाइपें खराब है। और मुखिया वार्ड को जब यह कहा जाता है कि हमारे यहाँ इन तरह की समस्या है, हमें पानी की समस्या से सामना करना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी इसकी बातें नहीं सुनी जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसी फरियादियों की बात सुनी और उसके बाद उन सभी जगहों पर एक्शन लेने की बात कही है। खास करके सड़कों में जहां पे कनेक्टिविटी की समस्या है, मुख्य सड़क से गांव तक सड़कों के जोड़ने की बात कही गई, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि ये काम तो हमने पहले ही कह रखा है और इसके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, इसके जो सचिव है, उनको साफ तौर पे आदेश दिया गया कि जब हम समीक्षा बैठक करते हैं तो आप इसमें इन सारी बातों को क्यों नहीं रखते, आप क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ पे इस तरह की समस्याएं हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने सचिव को भी कहा कि आप इसे अपने स्तर पर देखें और जितनी जल्दी हो सके इस तरह के कार्य को पूरा करें। कुछ नहीं जानना, कमाल की बात है। तो वार्ड सदस्य को ही अधिकार दिया गया है। यस सर। अरे भाई, वार्ड सदस्य को ही अधिकार दिया गया है, लेकिन उसी को ना अपने वार्ड में करवाना है। यस सर। और इसके लिए आपको मालूम है कि जब दिया गया वो कितना दूर तक गया, 1.5 साल तक जो सर्विस था ना कोर्ट तक गया, दो सब खत्म होने के बाद ये सब इसके लिए नियम और कानून और सब ढंग से बन गया, उसका तो नियमित रूप से काम हो रहा है। नहीं सर, वैसे करना नहीं तो वार्ड सदस्य को है। नहीं, उन लोगों ने खाते सदस्य को नहीं सर, उन्होंने खाते भी देखने को वार्ड सदस्य को नहीं दिया आज तक 3 वर्षों की बात है। तो इसकी शिकायत आज उसकी शिकायत पहले करनी चाहिए। शिकायत तुरंत अगर जो लोग शिकायत दीवार काम में भी कराता तुरंत देख लेता हूँ। तो बहुत लेट से बता रहे थे आज, आज हम ये आपके साथ निश्चय सब फेल हो रहा है, इसलिए मैं आया है। ऐसा कैसे करेगा, कैसे करेगा, लगाइए पंचायती राज। आपका सर 7 निश्चय बिल्कुल विफल हो रहा है ग्राउंड पे। सिवान जिले के ही है, ये अपने यहाँ की पंचायत की कहानी बता रहे, वार्ड वाले से कोई काम ही नहीं कर रहा, बात ही बताएगा। ये तो आश्चर्यजनक बात है सर, ये तो सब वार्ड को ही दिया गया है जिम्मेदारी, ऐसा कैसे पूरा 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 देख पाइए पूरा देख। क्या समस्या बताइए। हम लोग निजी जमीन में ऐसा सड़क बनाया जा रहा है जिसकी शिकायत विभिन्न कार्यालय में 2017 से 2019 तक की है। हाँ, सड़क का काम प्रगति पर है सर, और जमीन अधिग्रहण कर लिया गया। इस बीच में कोई भी अफसर सर हम लोग से मुलाकात तक या हम लोग से बात तक नहीं। जमीन का अधिग्रहण किया तो जमीन का पेमेंट नहीं किया है। अधिग्रहण मतलब में वर्क किया है, जमीन का जो भी मतलब सड़क का जो काम होता है ना मिट्टी वाला वो कर लिया। सरकारी की तरफ, सरकार की तरफ से कोई तरह की बात हम लोग से नहीं किया गया है सर। कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी हम लोग से बात नहीं किया सर। इसको थोड़ा सा एक नजर देख लिया जाए सर। सर सचिव महोदय को भी मैंने एप्लीकेशन दिया था सर। सचिव कहीं तो चली जाइए, ग्रामीण कार्य हेलो। हाँ, ये है शिवहर से आए हैं एक नौजवान, तो इनका जो जमीन है उस पर सड़क निर्माण का काम हो रहा है और सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में इसका जमीन उमीन का पेमेंट नहीं, जरा देख लीजिए।
ग्राम सड़क योजना का ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये काम हुआ। तो जिसका सड़क लेता उसको तो गांव को जमीन लेता उसको देना ही ना है, तो क्यों नहीं उसको दिया? लीजिए पूरी बात समझ लीजिए, सर एप्लीकेशन पहले भी दिया है बिजली के जर्जर तार है उनके खेतों से जा रहे उसी खंबे को हटा के नॉर्मल ट्रांसफर बदलने के लिए। बिजली का जर्जर तार अब तो नहीं होना चाहिए सर, यही खंबे तब जर्जर तार कहाँ बचा है? क्या है भाई जर्जर तार बता रहे हैं? जर्जर तार बदल दिया गया सर, जो स्मार्ट पंचायत है जो फसल का कटाई नहीं हो पा रहा है, ट्रांसफार्मर पुराना है। हम बिजली विभाग से बोले कि आप सड़क मार्ग से इस पर शिफ्ट कर दीजिए, बिजली विभाग बोल रहा है कि मेरे बस की बात नहीं, आपको जो करना है जहाँ जाना है वहाँ जाइए गुहार लगाइए। और समझ लीजिए सर की फसल का कटाई हार्वेस्टर से सुनना चाहिए, जर्जर तार है जबकि जो पूरा का पूरा ये ऊर्जा विभाग खंभा सर 30 डिग्री के एंगल पर टेढ़ा है। आपको पता है ना कि जर्जर तार बदलने की जिम्मेवारी दी गई, हर घर पहुंचाया गया बिजली पूरे बिहार में, उधर क्या तो चेहरवान आपका है इधर तक किया, हर घर बिजली पहुंचाने की योजना बनी और वो हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने यही ना कहा कि जितने जर्जर तार है उसको बदल दीजिए, तो जर्जर तार भी बदला गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि जर्जर तार कायम। सुनिए ना सर बता रहे हम, यही हम समझना चाह रहे हैं। एक दूसरी बात कह रहे हैं, एक दूसरे रास्ते से आपके अपने खेत के रास्ते से जा रहे हैं, आपका कहना है कि उसको अलग करना चाहिए, खेत के रास्ते से जा रहा है इसके चलते दिक्कत हो रही है आपको खेती में, यही ना कह रहे हैं? ये आप कहाँ की बात बता रहे हैं? रोहतास में, रोहतास के कोचस ब्लॉक के जिला पंचायतों के स्मार्ट पंचायत में सर उसका स्थान गांव का ही है। बिजली वाले को लगाई ये डेड, आपका वायर डेड है ना, उसमें बिजली आती है जैसे चतरा गांव तक शहर नया बदल गया, कैसे बना दिया और पुराना तार वहाँ डेड वायर पड़ा रहे, बिजली अलग तार अभी तो अलग बना दिया है, बना दिया हुआ अभी तक बिजली की आप आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं बिजली उसमें पुराने वाले तार में बिजली आ रही है, आ रही है लेकिन एकदम नपका हुआ। अब तो मेरे पास मोबाइल नहीं है तो स्पॉट पर वीडियो दिखा लेता हूँ। हेलो जो सर, अरे भाई एक नौजवान आए ही रोहतास जिला के पोचस प्रखंड, ये बता रहा है अपना पंचायत का स्थिति कि वहाँ जर्जर तार है, तो जर्जर तार तो कहीं होना नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनको जो खेत से गुजर रहा है और जर्जर है कि कह रहा है कि इसको जरा रिप्लेस कर दीजिए, बगल हटा दीजिए, खेती में दिक्कत हो रही है, शायद इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाए। और जर्जर तार तो कहीं होना नहीं चाहिए, रिपोर्ट है कि जर्जर तार कहीं है ही नहीं, तो ये पूछ रहे हैं, इन पूरी बात समझ करके कार्रवाई कीजिए। आपके क्या आपके गांव में सड़क उड़क नहीं बन रही है? सड़क आपका गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं सर है? नहीं सूर्य सड़क से जुड़ा ग्राम सभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2007 में सड़क बनी। कब से ये काम नहीं हो रहा? ये तो 2007 से जब से बनी तब से अधूरा ही रह गया है, 250 मीटर भी अधूरा रहा जी, अधूरा है। गरीब ग्रामीण करी हम लोग कितने बार आवेदन दिए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। ये आपके गांव का जी है? जी जी। आपके गांव का क्या नाम है? देवरार सेनारी प्रखंड अंतर्गत। देवरार गांव का नाम जी है? जी देवरार। हेलो भाई एक गांव से आए हैं और यहाँ इनके यहाँ इसका निर्माण किया ही नहीं गया सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कवर्ड है
शायद जी बता रहे हैं कि दूर तक बन गया, गांव तक उसको कवर नहीं किया। जरा तुरंत देखिए, ये तो कई जगह की बहुत पहले की बात हो गई, वर्षों पहले की बात हो गई। ये जो बनाया था प्रोजेक्ट, गड़बड़ प्रोजेक्ट बनाया था, तो सब खत्म करके नए सिरे से करवा करके के गांव का। और आपको याद है ना कि अभी हाल में भी कहे जो रिपेयर की बात हमने कहा कि सबको मेंटेन करिए, तो हमको एक जगह से आकर के इतने शिकायत दिया था कि साहब फिर पुराना वाला जो दूर तक है गांव का, उसके मेंटेनेंस की बात करा, तो हम तुरंत मीटिंग बुला के आपको कहे थे ना। तो ये बात उस समय हम कह दिए कहीं कि हमको जानकारी मिली। और अभी एक नौजवान आया है, ये बता रहा है कि गांव का जो सड़क का निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव तक पहुंचा ही नहीं। उसको देखिएगा ना भाई, रिपोर्ट कैसे नहीं करता, इसलिए जो भी रिस्पॉन्सिबल एक्शन लीजिए, ठीक बात नहीं है। जब इतनी बार हम लोग बार बार कहते रहते हैं, और अगर नहीं होता तो देखने वाली बात है भाई। ठीक, तुरंत ठीक। सर उसमें भी ये पीजीआर है, गांव में जाने का सड़क कच्चा का है, सब पता है सर। सप्लीमेंट्री कोर नेटवर्क में इसको इंक्लूड तो कर लो सर। किनारा का है, गांव का सड़क ऐसा हुआ है, ये बात समझ में नहीं आती। देखिए ना, पहले जमाने में जो किया होगा काम, वही गड़बड़ किया, ठीक बात नहीं। आपके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, या गांव सड़क पहुंची और बीच में सड़क नहीं बनी? गांव की सड़क है सर, पूरा कच्ची है सर, पूरा पाकी हो गया बीच में। नहीं सर, पूरा सर, पूरा गांव का सड़क अभी कच्चा है, पक्का नहीं किया सर। 2 किलोमीटर कब 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 छोड़ दिया, कब से बना रहा था सर? आजादी के बाद तक ले सड़क ही नहीं बना है सर, पक्की पूरा कच्ची सर सड़क है। एक ही रोड है सर, जाने का लगाइए। कोई बीमार हो जाता है तो सर उसे खटिए पर टांग ले जाए, 2 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। आपका ये है दिनारा में भरा सड़क, आपके आपके गांव की समस्या है या पूरे पंचायत की? नहीं सर, मेरे गांव का है, पंजरी गांव का। आज तक रोड ही नहीं बना है सर वहां का। आपका गांव पंजरी है? पंजरी है सर, पंजरी। हेलो, अरे एक और है, ये रोहतास जिला का ही है, दिनारा प्रखंड का है, पंजरी गांव। तो वहां पर ये नौजवान बता रहे हैं जो कच्ची सड़क है, पूरा सर कच्ची सड़क को पक्का करण किया ही नहीं, तो कमाल ही का चीज है। देख ली तुरंत तुरंत देख आइए। तो ये थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार से जुड़ी हुई खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।